Whenever there is any dispute, we usually and generally say, is there any proof for it? Law of evidence starts from the very first thing, from whenever we ask about the proof of anything. There are two types of law. Number one is adjective law, जिसको हम प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव लॉ। जो एडजेक्टिव लॉ होता है वो हमारे को प्रोसीजर बताता है हाउ टू रीच टू द सब्सटेंटिव लॉ, और जो सब्सटेंटिव लॉ होता है ये हमारे को बताता है व्हाट आर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। जब भी हम कोई भी हम स्टैट्यूट लेते हैं तो हमारे को पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम एडजेक्टिव लॉ की बात कर रहे हैं या हम सब्जेक्टिव लॉ सब्सटेंटिव एक्ट की बात कर रहे हैं। जो सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये हमारा एडजेक्टिव या प्रोसीजर लॉ है, जबकि जो हमारे आईपीसी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, ये सब सब्सटेंटिव एक्ट है बिकॉज दे डिटरमिन द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज। यदि हम बात करें जनरल वे में तो हम यदि 302 की बात करते हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो आईपीसी में 302 के अंदर दी गई है। उसके अंदर लिखा गया है कि या तो मर्डर के केस में लाइफ सेंटेंस होगी या कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। अब ये मर्डर का यदि ट्रायल चल रहा है तो सबसे पहले हमारे को ये देखना होता है कि जो एक पुलिस स्टेशन में कॉल पहुंची उस काल के अंदर क्या वहीं से ला हमारा शुरू हो गया, क्या हमारा प्रोसीजर वहीं से शुरू हो गया, क्या ये सारा प्रोसीजर हमारे को 302 आईपीसी में डिफाइन करा गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 302 हमारे को डिफाइन करता है कि यदि केस में मर्डर हुआ तो आपको लाइफ मिलेगी या डेथ पेनल्टी दी जाएगी। वो कैसे दी जाएगी, पुलिस वाले को जब आप टेलीफोन करेंगे, जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो कैसे प्रोसीड करेगा मौके के ऊपर, कैसे वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगा, कैसे वो चार्जशीट फाइल करेगा, कैसे उसको समनिंग करी जाएगी, कैसे उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, कैसे कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल होगा, कैसे जजमेंट लिखी जाएगी, कैसे एविडेंस होगी, ये सब चीजें हमारे को प्रोसीजर सिर्फ एडजेक्टिव लॉ के अंदर ही मिलेगा। जब हम एडजेक्टिव लॉ की बात करते हैं तो एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भी हमारा एडजेक्टिव लॉ है, क्योंकि ये हमारे को डिफाइन करता है कि यदि कोर्ट के अंदर एविडेंस हमने करानी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कोर्ट के अंदर, जिससे कि हम प्रमाणित कर सकें या प्रूव कर सकें कि किस आदमी ने किस तरीके से एविडेंस दिए है जिसके ऊपर कोर्ट रिलाई कर सके। देखा जाए तो तीन हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेट करते हैं। नंबर पहला प्रिंसिपल है हमारा कि बेस्ट एविडेंस इज टू बी गिवन। हमारे को ये देखना पड़ेगा बेस्ट एविडेंस क्या है। दो तरीके की एविडेंस होती है, एक डायरेक्ट एविडेंस होती है, एक इनडायरेक्ट एविडेंस होती है, एक प्राइमरी एविडेंस होती है, एक सेकेंडरी एविडेंस होती है। हमारा दूसरा सिद्धांत है कि जो भी हम एविडेंस देंगे उसका रिलेशन सिर्फ फैक्ट इन इश्यू से होना चाहिए। जब भी हम रेलिवेंसी की बात करते हैं या एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास देखने के लिए दो चीजें होती हैं कि जो हम रेलिवेंट मान रहे हैं वो क्या फैक्ट इन इश्यू से रेलिवेंट है या नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि रेलिवेंट तो होती हैं लेकिन हमारा लेजिस्लेशन उसको अलाउ नहीं करता कि कोर्ट के अंदर उस तरीके की एविडेंस दी जाए। जैसे कि हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इन केस ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई बातचीत है या क्लाइंट और या एडवोकेट के बीच में कोई बातचीत है तो हम उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन मानते हैं, और जहां प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है तो यदि वो पार्टी यदि चाहे कोर्ट के अंदर एविडेंस देना तब भी कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी और ये हमारे एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट में जाएगी। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि रेलिवेंट होते हुए भी वो एडमिसिबल नहीं है, यदि एडमिसिबल नहीं है इसलिए हमारे को कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। और तीसरा फंडामेंटल हमारा है कि जब भी हम एविडेंस देंगे कोर्ट के अंदर तो जो हियर से एविडेंस है उसको हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। हियर से एविडेंस का मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातें। हमारा लेजिस्लेशन ये मान के चलता है कि जब भी हम कोई कोर्ट के अंदर गवाही देते हैं तो उसके अंदर जिस आदमी ने जो सुना है वो कोर्ट में है,
जिसने जो देखा है वो कोर्ट में है, जिसने जो भी परसीव किया है बाय हिज सेंसेस वो कोर्ट के अंदर आए और वो ही अपनी गवाही दे, क्योंकि जितने हाथों से ये एक ने कहा, दूसरे ने सुना, फिर दूसरे ने कहा, तीसरे ने सुना, और इस तरीके से यदि हम चेन बनाते जाएंगे जिस आदमी ने पहली बार बात कही थी और लास्ट आदमी जो कोर्ट के अंदर आया उसके जो कहने में और लास्ट वाले के सुनने में बहुत बड़ा एक अंतर हो सकता है, इसको हम हियर से एविडेंस कहते हैं, और ये हियर से एविडेंस हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। कोर्ट ये कहती है, हमारा लेजिस्लेशन भी यही कहता है कि बेस्ट एविडेंस वही है जो कि जिस आदमी ने सुना है, जिस आदमी ने देखा है, जिस आदमी ने परसीव किया है, वही कोर्ट के अंदर आए और वही गवाही दे। जब हमारे यदि तीनों फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हों तब हमारे को ये देखना होता है सबसे पहले कि हम एक्ट को कैसे पढ़ें। कुछ एक्ट होते हैं जो एग्जॉस्टिव होते हैं, जो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बहुत सारे एक्ट चल रहे होते हैं और उनको लेजिस्लेचर ने बाद में ये समझा कि इनको हम कलेक्टिव कर लें एक जगह, जिससे कि बार बार अलग अलग जगह ना जाना पड़े, उसको हम एग्जॉस्टिव एक्ट कहते हैं। और जो ऐसे एक्ट होते हैं जो एग्जॉस्टिव नहीं होते, वो बहुत तरीके के एक्ट होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बहुत डिफरेंट स्टैट्यूट होते हैं, डिफरेंट एक्ट के अंदर डिफरेंट रूल्स लगते हैं, उसको हम डिफरेंट तरीके से समझेंगे। जहां तक हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको हम एडजेक्टिव लॉ कहेंगे और ये सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन हम फिर भी कह सकते हैं इसके अंदर सब्सटेंटिव एक्ट का भी आता है, जैसे राइट ऑफ एस्टोपल। एस्टोपल के केस में ये माना जाता है कि ये भी राइट्स और लाइबिलिटीज पार्टी की डिटरमिन करता है, इसलिए राइट ऑफ एस्टोपल को हम यदि छोड़ दें तो बाकी जो कंप्लीट एक्ट है हमारा एडजेक्टिव या प्रोसीजरल लॉ हम इसको कह सकते हैं। और इसके यदि हम आगे चलें, इसको हम आगे देखें, तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि क्या ये परफेक्ट लेजिस्लेशन है या नहीं। लॉ ऑफ एविडेंस को कहते हैं कि परफेक्ट लेजिस्लेशन है। परफेक्ट लेजिस्लेशन हम किसको कहेंगे, हमारे को ये देखना पड़ेगा। परफेक्ट लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन होता है जिसके अंदर बहुत कम अमेंडमेंट होती है, अमेंडमेंट का स्कोप बहुत कम छोड़ा गया है, मतलब कि जिसने बनाया ये बहुत सोच समझ के, उसका विजन इतना क्लियर था, उसने काफी चीजें परसीव करी और उन सब चीजों को इसने एक्ट के अंदर शामिल कर दिया। और जब हम शामिल करने के लिए बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका जो विजन था बहुत क्लियर था। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना, लेकिन आज तक भी हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हुई, और जो अमेंडमेंट हुई भी है सिर्फ वो रिलेटिंग टू दी टेक्नोलॉजी हुई है, जो एडवांसमेंट हुई है सोसाइटी के अंदर सिर्फ उसी से रिलेट करती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इट इज ए पीस ऑफ परफेक्ट लेजिस्लेशन।